राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं दाऊ मैं आ गया, और फिर बलराम दाऊ कहते हैं ये लो आ गए सब, और फिर दाऊ कृष्ण से कहते हैं कहाँ थे तुम काना, मुझसे कहा कि सभी गांव वालों को चौपाल में एकत्र करो और तुम अब आ रहे हो। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं एक ऐसा समाचार लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका एक क्रोध लुप्त हो जाएगा, और कहते हैं कृष्ण एक विशेष समाचार लेकर आया हूँ और आपसे एक निवेदन करने आया हूँ, और वो निवेदन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे घर में पधारे, आप सभी के लिए अत्यंत स्वादिष्ट खीर और दूध के भोज बनाए गए हैं, और हाँ स्मरण रखिएगा वो खीर मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से बनाई है, बड़े प्रेम से बनाई है, तो आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी, निश्चित रूप से आइएगा। और फिर नंद जी कहते हैं ये तो अति उत्तम विचार है, बहुत लंबे समय के बाद वृंदावन में कोई ऐसा उत्सव होगा। और फिर ब्रसवान जी कहते हैं क्यों मित्रों, काना खीर बनाओ हम सब ना खाएं, ऐसा हो सकता है? और फिर वृंदावन वासी कहते हैं हाँ कृष्ण हम सभी आएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कीर्तिदा कहती है एक अकस्मात कृष्ण को क्या हो गया जीजी, यूं अचानक संपूर्ण गांव को खीर खिलाने की क्या सूझी है इसे? और कहती है कहीं ये मेरे हृदय में स्थान बनाने की कोई युक्ति तो नहीं? और फिर सोदा मैया कहती है कदाचित। और फिर राधा कहती है माँ यदि ऐसी बात होती तो कृष्ण सबसे पूर्व आपको निमंत्रण देता ना, क्या उसने ऐसा किया? और फिर राधा की माँ कहती है नहीं तो, मैं तो यहाँ कब से बलराम के साथ खड़ी हूँ, ना इस बलराम ने मुझे निमंत्रण दिया और ना ही काना ने। और फिर तभी बलराम कहते हैं अरे अरे कीर्तिदा काकी, मैं भला आपको निमंत्रण कैसे दे सकता, मुझे तो अभी स्वयं ज्ञात हो रहा है कि काना ने सबको निमंत्रित किया है, पूरे गांव को, आपको तो ज्ञाती है मैं तो यहाँ सवेरे से सबको एकत्रित करने में ही व्यस्त हुआ था। और फिर राधा कहती है माँ मैं तो कहती हूँ कि अच्छे से कृष्ण की डांट लगाइएगा उसकी इस भूल के लिए। और कहती है राधा ठीक कहा ना मैया? और फिर सुधा मैया कहती है हाँ राधा तूने बिल्कुल ठीक कहा, काना तो सदैव हमें अपनी शरारतों से सताता रहता है, अब हम इसे सबक सिखाएंगे। कीर्तिदा बिना किसी संकोच के अच्छे से डांटना काना को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कीर्तिदा कहती है अब कृष्ण को मेरी डांट से कोई नहीं बचा सकता। और फिर वृंदावनवासी कहते हैं अच्छा तो अब हम सब चलते हैं। कृष्ण कहते हैं काकी सबसे पहले खीर आप चखेंगी, तत्पश्चात अन्य सभी व्यक्ति चखेंगे, ठीक है? और फिर कीर्तिदा काकी कहती है जिसे सबसे पहले भोग खिलाना हो उसे सबसे अंत में निमंत्रण दो, मैं नहीं आना चाहती ऐसे भोग में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कंस कहता है तो कृष्ण सभी वृंदावन वासियों को खीर खिलाना चाहता और तभी अक्रूर कहता है जी महाराज, तक उसने संपूर्ण गांव वासियों को निमंत्रण भी दे दिया होगा और अगले पहर तक संपूर्ण गांव वासी भोजन के लिए कृष्ण के घर पहुंच जाएंगे। और फिर कंस कहता अति उत्तम, बस एक बार अगासुर यहाँ आ जाए। और तभी अगासुर आ जाता है कंस के समक्ष। और फिर कंस कहता अगासुर आओ, अगासुर कहता कहिए महाराज कंस क्यों बुलाया आपने मुझे? और फिर कंस बताता है तुम्हारी लंबी निद्रा के मध्य यहाँ बहुत कुछ घटित हो चुका है, तुम्हारी बहन पूतना और भाई बगासुर का वध दिया गया है। और फिर अगासुर कहता किसने किया ये दुस्साहस? और फिर कंस कहता दोनों का वध एक ही व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए बुलाया है, और हाँ तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें बता दूँ आज कृष्ण सभी वृंदावन वासियों को खीर खिला रहा है। और तभी अगासुर कहता है खीर जो दूध के बिना बन ही नहीं सकती, मैं केवल कृष्ण को ही नहीं अभी तो पूरे वृंदावन को समाप्त कर दूंगा, उन्हें मेरी शक्ति का बोध नहीं है, अब तुम नहीं बचोगी कृष्ण, मैं आ रहा हूँ अपना प्रतिशोध लेने। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है ये क्या कृष्ण, इतने परिश्रम से अपने हाथों से संपूर्ण गांव के लिए तुमने खीर बनाई,
और माँ को निमंत्रण देना ही भूल गए। अब क्या करोगे, माँ तो तुम्हारे हाथों की बनी खीर खाने ही नहीं वाली, तुम्हारा सारा परिश्रम तो व्यर्थ हो गया। और फिर कृष्ण कहते हैं कीर्तिदा काकी, और फिर कृष्ण कीर्तिदा काकी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं आमंत्रित तो मैंने यशोदा मैया को भी नहीं किया, क्या इसका अर्थ है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता। और फिर बताते हैं मैंने उन्हें इसलिए निमंत्रित नहीं किया क्योंकि किसी भी पुत्र को अपनी माता को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नहीं तो माता के प्रेम का अपमान हो जाएगा और माँ और पुत्र के इस संबंध में चारित्रता के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। और तभी राधा सुन रही होती है, देख रही होती है, कहती है क्या यशोदा मैया भी कृष्ण की बातें सुनकर पिघल गईं। और फिर दाऊ कहते हैं तो कुछ भी नहीं है राधा, अब कहीं कीर्तिदा काकी भी कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने दो नहीं वाली हैं। और कृष्ण कहते हैं आगे कीर्तिदा काकी से, यदि आपको वो खीर नहीं खानी है जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाई है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, यदि आप मुझे अपना पुत्र ही नहीं मानती तो मैं किस अधिकार से हठ प्रकट करूँ। और फिर कीर्तिदा काकी कहती है ऐसी बात नहीं है कृष्ण, मैं हृदय से तुम्हें अपना पुत्र ही मानती हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं तो आप भोजन करने आएंगी ना। और फिर कीर्तिदा काकी कहती है अवश्य आऊंगी। और फिर यशोदा मैया कहती है कान्हा ने कितने प्रेम से खीर बनाई है और मेरे कान्हा के इस प्रेम से भला मैं कैसे वंचित रह सकती हूँ, मैं भी अवश्य आऊंगी। और फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं, घर की ओर आगे बढ़ते हैं, सभी वहाँ पहुँचते ही होंगे। और फिर कृष्ण दाऊ से कहते हैं आप भी चलिए, आपकी सहायता की मुझे आवश्यकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है माँ आ गई ना कृष्ण की बातों में, बिना किसी हट के हाँ कह दी। आप तो जानती हैं ना कि कृष्ण अपनी मीठी मीठी बातों से सबको मोह लेता है, आपको भी मोह लिया। और फिर कीर्तिदा मैया कहती हैं अरे हाँ, परंतु भोज में आने से क्या होता है राधा, मैं उसकी खीर चखूंगी भी नहीं, तुम देखना मैं कान्हा को कितना सताती हूँ। और फिर राधा कहती हैं परिणाम तो भोग में जाने के पश्चात ही मिलेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावनवासी आ रहे होते हैं भोज के लिए और दाऊ राधा कहते हैं आइए विराजमान होइए, अभी आप सबको भोजन करवाता हूँ, आप सब अभी स्थान ग्रहण कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते हैं हाँ उचित है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं राधा की माँ कीर्तिदा काकी से आइए काकी, सबसे पहले आप ही प्रसाद ग्रहण कीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपनी मैया को मना करती है नहीं, और तभी कृष्ण से कहती हैं कीर्तिदा काकी अभी नहीं कृष्ण, पहले अतिथियों को खिलाओ, मेरे साथ ऐसी औपचारिकता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, अगर असुर वृंदावन में प्रवेश कर लेता है और खीर कृष्ण द्वारा बनी हुई उसमें विष मिला देता है और कहता है आज कृष्ण के साथ उसके संपूर्ण वृंदावन का अंत हो जाएगा। और फिर कृष्ण कहते हैं कीर्तिदा काकी से ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर कहता है ये विष सबको मृत्यु की नींद सुला देगा। और तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं आप तो स्वयं नीलकंठ हैं और बताती हैं आपने पहले भी विष पिया है, कृपया करके आप इस असुर से कृष्ण को बचाइए अन्यथा वो वृंदावन वासियों का अंत कर देगा। और फिर महादेव कहते हैं हमें धैर्य से काम लेना होगा गौरी। और कहते हैं आगे महादेव मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य के पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सभी गाँववासी भोजन कर रहे होते हैं और कहते हैं अद्भुत तो स्वादिष्ट खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।